मिर्जापुर जिले के राम सुरेश सिंह महाविद्यालय दीक्षितपुर शिवशंकरी धाम में छत्रपति शाहू जी महाराज की 148वीं जयंती मनाई गई बड़े ही धूमधाम से। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर पल्लवी पटेल, विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना दल कामेरावादी पार्टी रही। उन्होंने अपने संबोधन में छत्रपति साहू जी महाराज की 148वीं जयंती पर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आरक्षण के जनक थे छत्रपति साहू जी महाराज, जो आज हमारे समाज के लिए लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। महापुरुषों ने जो काम किया है, अगर हम उनके पद चिन्हों पर चुने तो हमारा समाज आगे एक शिक्षित समाज बन जाएगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, एक सामाजिक मंच है और वहाँ पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में थोड़ा को विदेश में आ रही है, और उनका उद्देश्य था जो समाज में पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा में समावेश कराना और एक ऐसे अवसर प्रदान करना ताकि वो एक अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल पाए, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर सकें। आज उपचुनाव है, उपचुनाव है, क्या कहेंगे? उपचुनाव हमेशा से भावना रही है और चुनाव सत्ता पक्ष का होता है, हार या जीत चुनाव में दोनों के रूप में जुड़ने की अपनी अपनी भूमिका रखते हैं। ऐसे में जो विजयी हुए उनको मेरी शुभकामनाएं और जो इस चुनाव में आ रहे हैं उनको हारा ना मानते हैं, उनको विजेता कहती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो विजय का कभी चुनाव नहीं होता। आपने एक सवाल किया था अगली बार अग्निवीर को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पर यही कहना चाहती हूँ कि अगर एक सरकार जो इस देश के रक्षक एक परमानेंट नौकरी और पेंशन नहीं दे सकती, ऐसी सरकार, ऐसी लाचार सरकार से, क्योंकि मैं एक विधायक हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई भी पेंशन लेना स्वीकार नहीं।